फैसल भाई, कैसी तबीयत है आपको और क्या कैसा वहाँ पे क्या हुआ ये जरा बताएं। जरा क्या हुआ तो अभी तो बात ना बताऊंगा क्योंकि समझ नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खान साहब की तबीयत के बारे में पता चला कि वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी है कि इंशाल्लाह हमारी जो ये हकीकी आज़ादी की जो कैंपेन है ये जारी रहेगी और अल्लाह और अल्लाह के सवा कोई नहीं, किसी के सामने नहीं झुकते हैं। और मैं सबके लिए ढेरों दुआएं, जो जो लोग इसमें शरीक हैं और जो जो लोग हमें मुझे देख रहे हैं, जो जिनकी जिन्होंने दुआएं की है कि मोजा हुआ है जो बची है यहाँ से इधर से समझ आती है कि इधर से क्रॉस करके गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये लोगों की दुआएं हैं और जिन्होंने दुआएं की जिन्होंने नहीं की सबके लिए घेरों दुआएं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान। और फैसल भाई ये बताएं कि वहां पर और जो जख्मी हुए उनके बारे में बताएं। जैसे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने एक यहाँ पे हादसा, देखिए फैसल कहाँ से गोली लगी है, देखिए कि यहाँ से लगी है गोली, यहाँ से बुलेट लगी है और हाफ इंच को फाड़ के तो अल्लाह के लिए 30 सेंटी मेरे से बाहर निकल गई। अल्लाह ने इनको बचा लिया है, ये अल्लाह ने बड़ा बचाया है, बड़ा बचाया है। और क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हुए थे और मैं तो बिल्कुल एक मिनट पहले इन्होंने मुझे भेजा खान साहब कहने के रास्ता बन जाएगा। वैसे ये भी मोजाना तौर पर बचे हैं। फैसल भाई ये बताएंगे हौसला कैसा, जज्बा कैसा? हौसला जबरदस्त है, इंशाल्लाह हौसला मजीद अच्छा हो गया इससे। और इंशाल्लाह देखिए हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए इंशाल्लाह जिस मुल्क में स्क्रप्ट निज़ाम का खात्मा करना है और उसके लिए जान तो की बाजी भी खेलने को, इमरान खान के लिए ढेरों दुआएं करें। मुझे पता चला कि इमरान खान से खैरियत से यह सुन के तसल्ली।